वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन। तो देखिए फ्रेंड, आज आपके साथ हम शेयर करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम हो चुका है वर्धमान सिटी का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो रिजल्ट उनका कब तक आएगा और रिजल्ट जो आएगा वो किस प्रकार आएगा, उसको आप कहाँ से चेक कर सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं, आपको कौन सा साइट पर जाना है या फिर आपको कॉलेज द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा वो रिजल्ट, कैसे आपको रिजल्ट मिलेगा, आप खुद से कैसे रिजल्ट को चेक कर सकते हैं और उसमें किस प्रकार से रिजल्ट आपका दिया जाता है, सारा कुछ इस वीडियो में अभी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आप इस चैनल के साथ बने रहे और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको फुल डिटेल समझ में आए कि कैसे आपका रिजल्ट जो है दिखाया जाता है, कैसे प्रकाशित किया जाता है और आपका जो रिजल्ट है अभी कब तक जारी होने का उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि आपका जो अभी लेटेस्ट क्या है नोटिस बीएड रिलेटेड, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट रिलेटेड। तो देखिए फ्रेंड, अभी हम आ चुके हैं ये वर्धमान यूनिवर्सिटी का साइट पे। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है वर्धमान यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट। देखिए यहाँ पे आपका दिख रहा है ये द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्धमान, ये है आपका वर्धमान यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट को, जब भी आपका रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा तो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। और देखिए ये इसका साइट का क्या, आप टाइप कीजिएगा गूगल में जाके, गूगल क्रोम में जाके आप वर्धमान यूनिवर्सिटी लिखिएगा तो आपके सामने वो खुल जाएगा। या फिर देखिए उस साइट का नाम जो है आप यहाँ पे इस प्रकार टाइप कर सकते हैं। देखिए यहाँ साइट का नाम लिखा हुआ है vardhamanuniversity.nic.in, या फिर आप गूगल में जाके सिर्फ वर्धमान यूनिवर्सिटी टाइप कीजिएगा तो सामने देखिए आपको दिखाई देते हैं। चलिए देखिए सामने ही आपका खुलेगा वो पेज जिसपे आपको टाइप करना है। देखिए जैसे कि अगर आप गूगल पे जाते हैं, गूगल क्रोम पे आप आ जाइएगा, यहाँ पे देखिए वर्धमान यूनिवर्सिटी जैसे टाइप कीजिएगा आप तो इस प्रकार से आपका पेज खुलेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ सामने आपका द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्धमान जो लिखा है इस पे जाके आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये वर्धमान यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट जो है वो खुल जाएगा। उसके बाद आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट कहाँ पे मिलेगा उसके लिए आपको देखिए यहाँ नोटिस है, नोटिस पे आप क्लिक कर सकते हैं या फिर अन्यथा आप जो है डायरेक्ट यहाँ पे देखिए नोटिस का जो सेक्शन है नोटिस पे जाके आप यहाँ क्लिक कीजिएगा तो वो डायरेक्ट खुलेगा। अन्यथा आप जो है नीचे स्क्रॉल करते हुए आइएगा, देखिए नीचे स्क्रॉल करते हुए आप जैसे आइएगा वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। देखिए यहाँ स्क्रॉल कीजिएगा इस प्रकार से तो देखिए यहाँ पे एक आपको रिजल्ट सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये है रिजल्ट सेक्शन, यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आइएगा नीचे तो देखिए यहाँ पे जो अभी करंट का जो रिजल्ट जारी हुआ है वो आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए LLM सेमेस्टर 2 का रिजल्ट 2021 का रिजल्ट है अभी यहाँ पे, अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का बीएड का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो वो कब तक जारी होगा वो भी आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे, तो आप पूरा वीडियो को देखिए, अभी आपको बताते हैं वो भी। अभी आपको सिखा रहे हैं कि आप रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं खुद से, अगर आपको कॉलेज द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाता रिजल्ट फिर भी आप खुद से चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट। तो यहाँ रिजल्ट सेक्शन पर आइएगा, यहाँ सबसे ऊपर में आपका करंट का जो रिजल्ट निकलेगा वो दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे MPhil सेमेस्टर 1 का रिजल्ट है 2019 का और यहाँ पे 2021 का है LLM सेमेस्टर 2 का। उसके बाद यहाँ से आप ये देख लें रिजल्ट आपका यहाँ पे आके, और देखिए आप कहाँ से चेक कर सकते हैं वो भी दिखाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ ऊपर आइएगा, ऊपर में देखिए यहाँ पे जो नोटिस लिखा हुआ है, यहाँ नोटिस में आप जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए आपका एडमिशन एग्जामिशन रिजल्ट, ये एग्जामिशन रिजल्ट पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो वो अभी जो करेंट का रिजल्ट है वो आपको शो करेगा। देखिए यहाँ पे भी चल के देखते हैं, तो देखिए एग्जामिनेशन रिजल्ट पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने वो पेज खुल जाएगा। देखिए यहाँ रिजल्ट सेक्शन खुल गया, यहाँ पे देखिए अभी कोई रिजल्ट नहीं है इसीलिए यहाँ पे आपका खाली दिखा रहा। तो देखिए इसमें उसके बाद आप नीचे आइएगा तो देखिएगा यहाँ और एक रिजल्ट सेक्शन मिलेगा। यहाँ देखिए आपको अंडर ग्रेजुएट में क्लिक कीजिएगा तो आपका अगर रिजल्ट निकला है तो यहाँ पे आपका शो कर देगा। और अंडर ग्रेजुएट CBCS है, इसमें देखिए अभी जो अंडर ग्रेजुएट CBCS का रिजल्ट है वो जारी हुआ है, वो है प्रोविजनल रिजल्ट BA ऑनर्स सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन 2021 अंडर CBCS का है। ये आपका नहीं है तो यहाँ पे जितने भी BA BSc है उनका रिजल्ट शो होता है और आपका रिजल्ट यहाँ पे शो होगा अंडर ग्रेजुएट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना रिजल्ट जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए अभी जो नोटिस है वो क्या है आपको अभी बताते हैं। और देखिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो किस तरह से दिखता है, कैसे आपका प्रकाशित होता है, वो आपको कैसे चेक करना है रिजल्ट। तो देखिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं वो भी आपका प्रीवियस ईयर का रिजल्ट को। तो देखिए ये वर्धमान, यहाँ देखिए द वर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑफ वर्धमान द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्धमान लिखा है, यहाँ पे कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, ये है आपका सेमेस्टर 2 का रिजल्ट। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन 2020, यानी कि सेमेस्टर 2 का ये प्रीवियस ईयर का रिजल्ट है। आपको सिर्फ हम ये लेके आए दिखाने के लिए कि आपका जो रिजल्ट है किस प्रकार से दिखता है,
कैसे आप उसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारा कॉलेज का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इस तरह से देखिए ये कॉलेज का कोड है और यहाँ पे देखिए ये कॉलेज का नाम है। तो यहाँ से आप कॉलेज अपना देख लीजिएगा, जो भी आपका कॉलेज है वो आप इस तरह करके स्क्रॉल करते हुए नीचे जाइएगा और इस तरह करके नीचे आना है आपको। नीचे आइएगा तो सारा कॉलेज का यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं अपना रिजल्ट, जब आपका रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा तो देखिए अभी जो ये रिजल्ट शो कर रहा है इस प्रकार से, ये कैसे आपको देखना है अपना जो रोल नंबर है वो कैसे चेक करना है। तो देखिए ये मान लीजिए आप ही का कॉलेज है ABS एकेडमी। तो अगर आपका कॉलेज यही है तो आप इसमें कैसे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ सीरियल वाइज रोल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि 191 सेमेस्टर 1954001, यानी कि ये आपका यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है। तो अगर आपका यूनिवर्सिटी का रोल नंबर 1 है तो आप अपना रिजल्ट यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे SGPA में आपका रिजल्ट जारी होता है। फर्स्ट जो रिजल्ट आपका आएगा प्रोविजनल रिजल्ट, वो आपका SGPA में जारी होगा। तो सबसे पहले आपका जो रिजल्ट जारी होता है वो SGPA में जारी होता है, SGPA में जारी होता है, ये आपका प्रोविजनल रिजल्ट आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रिजल्ट में आपका यहाँ SGPA में जो लिखा है 8.98, यानी कि आपका ये पॉइंट में मार्क्स यहाँ दिखाता है कि आपका कितना पॉइंट आया ओवरऑल सारा सब्जेक्ट में। तो इसका मतलब लगभग आपका जो है 85 से लेके आपका 89% तक आपका रिजल्ट मान सकते हैं आप इसको। और जब आपका ये ओरिजिनल मार्कशीट आ जाएगा उस टाइम में आप देखिएगा आपका कितना परसेंटेज आया, वो सारा डिटेल लिखा रहेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे आपका पॉइंट में दिखेगा रिजल्ट SGPA में, उसके बाद यहाँ रिजल्ट में देखिए रिजल्ट में आपका क्यू लिखा है, क्यू का मतलब क्या है कि आप क्वालिफाई है। उसके बाद देखिए यहाँ क्रेडिट लिखा है, आपका जितना क्रेडिट था सारा लिखा है, वो क्रेडिट सारा क्रेडिट में आप ऑल में क्या है क्यू है, मतलब क्वालिफाई है। तो देखिए ये कैसे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका फेल रहेगा तो यहाँ एफ लिखा रहेगा, तो ये कैसे आप चेक कर सकते हैं कि क्यू का मतलब क्वालिफाई होता। तो देखिए यहाँ आपका सारा डिटेल यहाँ पर लिख दिया गया है, क्यू का मतलब होता क्वालिफाई, SNC का लिखा होता कि सेमेस्टर नॉट क्लियर, उसके बाद ABS का मतलब होता कि अब्सेंट, उसके बाद है रिपोर्ट अगेन इसका मतलब होता RA, उसके बाद EXP का मतलब होता है एक्सलेंट, उसके बाद RW का मतलब होता है रिजल्ट विथ हेल्ड, उसके बाद CAN का मतलब होता है कैंसल्ड, INC का मतलब होता है इनकम्प्लीट। तो अगर आपका क्लियर है सारा सब्जेक्ट में, अगर आप पास है तो यहाँ पे आपका क्वालिफाई रहेगा, और एक्सलेंट करते हैं तो एक्स लिखा रहेगा और EXP लिखा रहेगा, और अगर आप अब्सेंट करते हैं तो यहाँ पे अब्सेंट लिखा रहेगा, ABS लिखा रहेगा। तो इस प्रकार आपका जब रिजल्ट प्रकाशित होगा तो आप यहां से अपना रिजल्ट इस प्रकार चेक कर सकते हैं। सारा कॉलेज का यहां पे आपको लिस्ट मिल जाएगा, बर्धमान सिटी का अंडर में जितना भी कॉलेज है उन सारा कॉलेज का, तो आप वहां से एक एक करके चेक कर सकते हैं अपना कॉलेज का रिजल्ट। उसके बाद देखिए अभी दिखाते हैं आपको कि अभी नया जो नोटिस है वो क्या है आपका रिजल्ट रिलेटेड। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं कॉलेज का ऑफिशियल साइट पे, और यहां पे आपको दिखाते हैं अभी होम पे जाके। यहाँ पे देखिए अभी होम पे आ गए हैं ऑफिशियल साइट बर्धमान सिटी का। यहाँ पे देखिए अभी जो है आपका नोटिस मिलेगा एक यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो हॉलीडे ऑन अकाउंट छठ पूजा तक, यानी कि छठ पूजा तक आपका जो है अभी बंद है कॉलेज। तो अभी आपका कॉलेज खुलेगा 16 तारीख से, 16 नवंबर से आपका कॉलेज खुलेगा, उसके बाद ही आपका जो है रिजल्ट आने का संभावना है। यानी कि आपका रिजल्ट है 16 तारीख तक अभी नहीं आ रहा है, 16 नवंबर तक, उसके बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल जाएगा। तो आप अगर अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं, अपना BEd को लेकर सीरियस है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी BEd रिलेटेड कोई लेटेस्ट नोटिस आए तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो देखिए अभी जो है आपका इसमें नोटिस यही बताया गया है कि आपका 16 के बाद ही कॉलेज खुलेगा, यूनिवर्सिटी खुलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा आपका रिजल्ट, और हो सकता है आपका सेमेस्टर 2 का भी एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।